वेलकम टू स्मार्ट शिक्षा एकेडमी। हाल ही में यूएन की जनरल असेंबली में पाकिस्तान की तरफ से इस्लामोफोबिया पर काबू पाने के लिए 15 मार्च को इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाए जाने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया गया यूएन के तरफ से। इस प्रस्ताव के पास होने पर भारत ने चिंता जताई है। भारत ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, दुनिया में सभी धर्मों के खिलाफ फोबिया में इजाफा हो रहा है। ऐसे में इस बात से चिंतित है कि बाकी धर्मों को छोड़कर किसी एक धर्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है, बाकी धर्मों के लिए कोई क्यों नहीं सोच रहा। यूएन महासभा में भारत के अस्थाई प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, भारत यहूदी, ईसाई और इस्लाम के खिलाफ की जा रही किसी भी गतिविधि की निंदा करता है, पर डर का माहौल केवल इन्हीं धर्मों को नहीं है, केवल इन्हीं धर्मों के लिए डर नहीं फैलाया जा रहा। भारत ने कहा, हिंदुओं, बौद्ध, सिख के खिलाफ भी डर का माहौल बना है, धर्मों को लेकर अलग अलग तरह से डर का माहौल बनाया जा रहा है, खासकर हिंदुओं, बौद्ध और सिख धर्म के खिलाफ। अफगानिस्तान में सिखों के गुरुद्वारों पर कई हमले किए गए। बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है। हाल में खबर आई थी, गौतम बुद्ध की एक मूर्ति को तोड़ दिया गया। तो फोबिया तो हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के खिलाफ भी फैलाया जा रहा है, तो यूएन सिर्फ इस्लाम फोबिया पर दिवस क्यों मना रहा है। फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव पर चिंता जताई है। फ्रांस ने भी कहा, अगर किसी एक धर्म को खास दर्जा दिया जाए तो इससे धर्म के खिलाफ हो रहा अत्याचार और बढ़ेगी। यूएन ने पाकिस्तान का यह प्रस्ताव पास कर दिया है। सारे मुस्लिम देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया और ये प्रस्ताव पास हो गया और 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाया जाएगा हर साल। पर सवाल तो यही है कि जब हिंदू, बौद्ध, सिख धर्म पर अत्याचार होता है तो ये यूएन और मुस्लिम देशों को क्यों नहीं दिखता। सिखों के गुरुद्वारे पर हमले होते हैं तब यूएन कुछ नहीं बोलता। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं कि यूएन को पूरी तरह से बदलने की ज़रूरत है। तो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।